मुस्तफा जाने रहमत वो है जो इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है, मुस्तफा जाने रहमत वो है कि जो इशारा करते हैं तो सूरज पलट आता है, मुस्तफा जाने रहमत वो है जो कंकरियों को कलमा पढ़ाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो है जो दरख्तों को अपने पास बुलाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो है जो जाबिर के बच्चों को आवाज देकर जिंदगी अता कर देते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो है जो सुबूत हिनाना को रोता हुआ चुप करा देते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो है कि जिनके साथ चलते चलते जिब्रील के बाजू तक जाते हैं, थके थे रूह अमीन के बाजू कहां वो थमी कहां वो पहले निकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाह हसरत के वलवले थे, अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत वो है कि अल्लाह अल्लाह सारे इंसान अल्लाह के कानून के पाबंद है, मेरा नबी वो है, मेरा नबी वो है, मेरा नबी वो है कि कानून वो जो करते वही कानून बन जाता है, वो बोलते वही कानून बन जाता है, किसी बात पे चुप रह जाए वही कानून बन जाता है, मुस्तफा जाने रहमत वो है आसमानों को पार करके अर्श के परे जाते हैं लामका पे जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो है अंबिया जिनके पीछे हाथ बांध करके मस्जिद अक्सा में खड़े रहते हैं, नमाज अक्सा में था यही सीन आया हो मानी किया वाला की हदस में बसता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे, मुस्तफा जाने रहमत वो है कि अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर उनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो है लकड़ी को हाथ लगा देते हैं तो लकड़ी रोशन हो जाती है, मुस्तफा जाने रहमत वो है किसी के चेहरे पे हाथ फेर दे तो हाथ जो है वो चेहरा मुनव्वर हो जाता है, मुस्तफा जाने रहमत वो है कतादा की आंख निकल जाए तो चेहरे तो थूक लगा करके उनकी आंख को चिपका देते हैं, अल्लाह अकबर किसी की पिंडली टूट जाए लोहा लगा करके पिंडली को दुरुस्त कर देते हैं, मौला अली की अगर आंसू में चश्मा हो लोहा लगाते हैं आंसू में चश्मा खत्म हो जाता है, मुस्तफा जाने रहमत वो है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खारी कुएं में थूक डालते हैं तो कुएं मीठे हो जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो है कुएं में पानी अंदर होता है थूक डाल देते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, मुस्तफा जाने रहमत के लोहा अलग अलग काम करते हैं, गुस्से में किसी पे थूक दे तो उसका चेहरा जल जाए, प्यार से किसी पे थूक डाल दे तो दिन भर उसको प्यास ना लगे, बच्चों को चटा दे दिन भर बच्चों को प्यास ना लगे, खारी कुएं में डाले तो कुएं मीठे हो जाए, अल्लाह अकबर जब मेरे नबी को देखा दरख्त पास आते हैं लकड़ियां बोलती हैं जानवर सजदा करते हैं हरन फरियाद करती है ऊंट आकर के फरियाद करते हैं नाबीनाओं को बिनाई अता करते हैं मुर्दों को जिंदगी अता करते हैं, अल्लाह अकबर डूबा सूरज पलटा लेते हैं चांद के दो टुकड़े करते हैं, इंसानियत हैरान होकर कहती है हम तो दरख्तों की पूजा कर रहे थे लेकिन ये तो हमारे खुदा को बुला लेता है, तो क्या ये खुदा है, अल्लाह अकबर दुनिया चांद के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी चांद के टुकड़े होते हैं तो लोग कहते हैं ये इशारे से हमारे खुदा को तोड़ देता है तो क्या ये खुदा है, अल्लाह अकबर आप मुझे बताएं दुनिया के अंदर कोई इतना बड़ा ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि जो इशारे से कोई चीज तोड़ दे, जी बेशक एक उंगली से तो कागज भी फाड़ा नहीं जा सकता, एक उंगली से कागज भी फाड़ा नहीं जा सकता, एक उंगली से चांद कैसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक उंगली से चांद तोड़ने वाले ने तोड़ करके बताया, कैसे बताया, मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं माहे शकगश्ता की सूरत देखो, माहे शकगश्ता की सूरत देखो, कांपते महर की रजात देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं अल्लाह पर, जब मेरे नबी ने चांद तोड़ा तो चांद के पुजारियों ने कहा ये हमारे खुदा से बड़ा है कि इसने चांद तोड़ दिया, लेकिन अल्लाह अल्लाह जिसे दुनिया ने रब्बे अकबर कहा था जब उस सूरज को पलटाया तो लोगों ने कहा ये तो रब्बे अकबर से भी बड़ा है कि सूरज को पलटा दिया, लेकिन दुनिया उस मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाओं को पाश पाश करने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर कुव्वत वाला इज्जत वाला ख्याल कर रही थी, लेकिन जब बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अजान दी, अजान देने के बाद अल्लाह के बंदे सफ में खड़े हो गए, उसी वक्त लोगों ने देखा कि जो चांद टुकड़े करता है जो सूरज पलटाता है वो भी आकर के खड़ा हुआ, और आने के बाद अदब से खड़ा होकर जब अपनी पेशानी को जमीन पे रखा तो दुनिया ने कहा जो चांद और सूरज तोड़ता है और चांद को तोड़ के सूरज को पलटाता है हम तो उसे खुदा कहने वाले थे, लेकिन इसने भी अपनी पेशानी जब जमीन पे रख दी तो आज पता चला जब सजदा करने वाला इतना अजीम है तो जिसका सजदा कर रहा है उस खुदा की शान का आलम क्या होगा, तौहीद इसे कहते हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला तौहीद इसे कहते हैं, दुनिया गलती में खुदा कहना चाहती थी लेकिन हुजूर ने पेशानी जमीन पर रख करके बताया कि जो झुक रहा है बंदे की ये शान है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना, ये है
तौहीद, ये क्या तौहीद है कि वो जब जब चाहता है गैब मालूम कर ले। आपके खुदा को गैब भी नहीं पता। हमारा खुदा तो वो है जो कहता है आलिमुल गैब व शहादा, कि वो गैब भी जानता है शहादत भी जानता है। लेकिन मेरा उन्वान वो, लोग कहते हैं सुन्नी क्यों बढ़ा देते हैं इतना अपने नबी को, कि खुदा हम कहते हैं हम क्या बढ़ाएं, वो इतने बड़े हैं कि सारी बड़ाइयां उनके कदमों में है। वो ऐसे इज्जत वाले हैं कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है महबूब हम तुझे अपने अर्श पे बिठाएंगे, मकामे महमूद अता करेंगे, अल्लाह की कुर्सी पर जिसको जुलूस की सआदत अता की जाएगी, जिसके हाथ में लिबाउल हम्द होगा, सारे नबी जिसके परचम के तले जमा होंगे, और वो नबी कहते हैं सारे अंबिया मेरे परचम के नीचे होंगे। मैं ये बात किसी फख्र से नहीं कहता। या रसूल अल्लाह आप क्यों फख्र करें, जो परचम के नीचे आए उनके लिए फख्र की बात है कि उन्हें आपका परचम नसीब हो गया। ये अपने नबी कुरान कहते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, हम नबी को शरीक नहीं मानते खुदा का, इसलिए कि शरीक मानने में कोई फजीलत ही नहीं है। हम नबी को खुदा का हबीब मानते हैं। शरीक और हबीब में फर्क क्या है? जो शरीक होता है उससे झगड़ा होता है, हबीब से कभी झगड़ा नहीं होता। शरीक को इंग्लिश में कहते हैं पार्टनर। अब समझ में आया? पार्टनर से झगड़ा होता है, उसके साथ हिसाब किताब होता है। मिसाल के तौर पे मैंने 10 रुपये रखा था कपड़े की कीमत, तूने 9 में बेचा क्यों, इसका जिम्मेदार कौन? मैंने 10 रखा था, तूने 11 की कीमत क्यों लगाई, कौन खरीदेगा? 1 रुपये पर पार्टनर से पार्टनरशिप टूट जाती है, झगड़ा होता है। 1 रुपया कहां गया बताओ, 1 रुपया कहां गया बताओ, 1000 रुपये कहां खर्च की बताओ। ये पार्टनर शरीक का हाल है। जो 1 रुपये और 1000 रुपये के लिए लड़ रहा था हिसाब में, घर पहुंचा, बेटे ने कहा अबू आप जानते हैं एक बेहतरीन कार आई है या बेहतरीन बाइक आई है शोरूम में, अबू मैं लेना चाहता हूँ। बेटे कोई बात नहीं जाओ ले लो। अरे मियाँ जी आप तो 1000 रुपये के लिए पार्टनर से लड़ रहे थे और यहाँ 5 लाख रुपये की आपने बाइक 1 मिनट में एक लम्हे में बगैर तवक्कुफ के दिला दिया। कहेंगे मौलाना आपको शोर नहीं, वो शरीक था, ये हबीब है। वो शरीक था, ये हबीब है। हबीब के साथ हिसाब नहीं होता, हबीब का तो मुंह देखा जाता है, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। अब हम नबी को शरीक मान के बेवकूफ है, माज़ अल्लाह ईमान भी खो दे और नबी की शान भी घटा दे। हम शरीक नहीं मानते, हम हबीब मानते हैं, इसलिए कि अल्लाह पर माज़ अल्लाह नबी ने शान तोड़ा। अगर शरीक होते तो कुदरत कहती मैंने बनाया, तूने तोड़ा क्यों? लेकिन वो शरीक नहीं हबीब है, तोड़ा तो कुदरत कहती है प्यारे बनाया ही इसीलिए था ताकि तू आकर के तोड़ेगा और अपनी शान बना। वाह बना रे तकदीर, हमने डुबाया तूने निकाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमने डुबाया तूने निकाला क्यों? महबूब आज डुबाया ही इसीलिए था ताकि तू निकाल कर अपनी शान बताएगा। और मेरे इमाम तो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक कहूंगा नहीं, एक है मालिक कहना और मालिक ही कहूंगा। वाह लोग कहते हैं सुभान अल्लाह ये तुम आला हजरत क्या करते हो, हम कहते हैं जरा कोई ऐसी बात भी करे तो उसका भी जिक्र करें, इसलिए कि नबी का जो गुलाम है हमारा।